हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भूमि। वेलकम टू क्रेजी फूडीज। देखिए, आज हम बनाने वाले हैं ग्रेवी वाला पनीर चिली, और वो भी सेजवान फ्लेवर में। तो चलिए जट से शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले ना, अगर हमारी चैनल के लिए आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है। फिर डालेंगे नमक स्वादानुसार, थोड़ा मरी पाउडर, हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और अभी इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन सॉफ्टली करेंगे ताकि ये पनीर टूट ना जाए। अब देखिए, इस तरह से मैंने कोट कर लिया है, तो 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख लेंगे। इस तरफ तेल मैंने गरम कर लिया है, अभी हम डीप फ्राई कर लेंगे पनीर को। यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। हल्के हाथ से इसको चलाना है। अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने सारे पनीर को डीप फ्राई कर लिया है। अभी इस तरह से हमें एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल लेना है, और तेल के गर्म होने पर हम 1/2 टेबलस्पून अदरक डालेंगे बारीक कटी हुई, और 1 टेबलस्पून लहसुन डालेंगे बारीक कटी हुई। अभी डालेंगे अनियन, 2 मीडियम साइज के लिए है, 1 गाजर और 2 मीडियम साइज के कैप्सिकम। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ पे वेजिटेबल्स को हमें पूरा नहीं पकाना है, थोड़ा क्रंची ही रखना है। ये आप देख सकते हैं, हमारे वेजिटेबल्स आधे पक चुके हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1/3 टीस्पून मरी पाउडर, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, ये 4 टेबलस्पून सेजवान सॉस, और 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी स्टेज पर हम 1 टीस्पून शक्कर डालेंगे और 1/4 टीस्पून विनेगर। अभी हमें ग्रेवी वाला करना है, तो 1 कप पानी डालेंगे, और ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और उसकी स्लरी बना दी है, वो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी 2 मिनट इसको पकाना है ताकि ये ठीक हो जाए। मिश्रण हमारा गाढ़ा होने लगा है, तो अभी हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। आप देख सकते हैं, बढ़िया सा रेडी हो गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते। तो ये देखिए, बढ़िया सा ग्रेवी वाला पनीर चिली रेडी है, वो भी सेजवान फ्लेवर में। आप भी इसी तरह से बनाइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। और अगर हमारी चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही में बेल आइकन जरूर से प्रेस करिए, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे।